हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल राठौर। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जनरल इंग्लिश 12th क्लास के लेसन की समरी। आज मैं सेकंड चैप्टर आपको समझा रहा हूँ। सेकंड चैप्टर क्या है? ये सेकंड चैप्टर जिसका नाम है ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, एक दोस्त जो आसमान से आया। इसमें एक दोस्त जो आसमान से आया, इसमें किसकी बात की गई आपको पता चलेगा। मैं शुरू से आपको स्टार्ट से लेसन को समझाता हूँ। सबसे पहले एक मिनी नाम की लड़की है जो स्पेस्टिक गर्ल है। स्पेस्टिक यानी कि जो अपने हाथ और पैर का वर्क ठीक से नहीं कर पाती है, कंट्रोल नहीं रख पाती है, ऐसी लड़की है जो व्हील चेयर पर, पहिए वाली चेयर पर, बालकनी के फर्स्ट फ्लोर फ्लैट पर बैठी हुई है और खेलते हुए बच्चों को देख रही है जो मैदान में, पार्क में आउटसाइड खेल रहे हैं। थोड़ी देर बाद कुछ तेज हवाएं चलती है, थोड़ा मौसम बारिश का होता है, तेज थंडर स्टॉर्म जो गर्मियों के दिनों में चलते हैं, मार्च अप्रैल की बात है। सो उस दौरान माहौल ऐसा चेंज हो रहा है। मम्मी आवाज़ देती है मिनी को कि बेटा अंदर आ जाओ, बाहर मौसम ख़राब है। लेकिन मिनी नहीं आती, क्योंकि मिनी का सिर्फ एक ही पेस्ट टाइम है, एक ही मनोरंजन है, वो है बच्चों को देखना। चूँकि वो स्पेस्टिक है, वो कुछ कर नहीं सकती है। सो मिनी उस बच्चों को सिर्फ देखती रहती है। मैं सिर्फ लेसन में वही चीज़ समझाऊंगा जिनसे आपके सारे क्वेश्चन सब कवर हो सकें। सो मिनी उनको देखने का काम करती है। तेज हवाएं आना शुरू होती है, बारिश आना शुरू हो जाती है। इसी दौरान एक पक्षी होता है जिसका नाम है डक, जिसे डक बोलते हैं, सोवेल भी बोलते हैं, बदक होता है। वो हवा में आता है, बच्चे खेल रहे हैं, उनके ऊपर पत्तियां गिर रही है, लेकिन अचानक से एक बड़े कुछ पंख टूट के उनके मैदान में गिरते हैं, अचानक अचंभित हो जाते हैं। और वो जो पक्षी के पंख टूटे हैं, वो पक्षी जो है मिनी की गोद में आकर के गिरता है, मिनी जहाँ पर बैठी हुई है। अब यहाँ पर मिनी अचानक से चौंकती है, सॉफ्ट हो जाती, चिल्लाती है, तो मम्मी अंदर से आती है और उसे देखती है तो मिनी की गोद में एक डक बैठा हुआ है जिसके पंख टूट चुके हैं। और बच्चे दौड़ करके अपने घर की तरफ जाते हैं, वो भी तेज तेज चिल्लाते हैं क्योंकि ओले गिरने लगते हैं। इसी दौरान फिर मम्मी उसे अंदर लेकर के आती है, बदक को और मिनी को। मिनी जो है उसे कुछ खिलाने की कोशिश करती है, उसकी मम्मी कुछ खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बदक नहीं खा पाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा चोटिल हो चुकी है। इसी दौरान अब मिनी उसकी मम्मी से कहती है कि मम्मी कुछ अच्छा बनाइए, तो उसकी मम्मी जो है मार्च सम कुक राइस यानी कि चावल बनाती है, उसमें एडेड शुगर और मिल्क मिलाती है, मतलब खीर बना के, और एक इंक फिलर रहता है उसके द्वारा उसे खिलाने की कोशिश करती है उसकी चोंच को ओपन करके। शाम होती है, उसके पापा आते हैं, उसके पापा से कहती है, तो मिनी जो है जहाँ सोती है उसके साइड में एक बास्केट रखा जाता है जहाँ इसके अंदर उसको छोड़ दिया जाता है। सुबह अचानक से जब उठती है तो मिनी एकदम अचंभित हो जाती है, स्टनिश हो जाती है देख करके कि बास्केट खाली है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद मिनी आसपास ढूंढती है, उसे क्राव करती, क्राव यानी रेंगना, रेंगती है वो, चूँकि चल फिर तो सकती नहीं है तो रेंग रही है। तो अचानक थोड़ी देर बाद बाथरूम के कोने पर वो जो बदक है, जो सोवेल है, वो बैठी हुई है, जो डक है वो बैठी हुई है। अच्छा, चूँकि मिनी का अभी तक कोई दोस्त नहीं था, यहाँ पर स्पष्ट दे रखा है कि मिनी एक स्पेस्टिक गर्ल है ना, एक विकलांग लड़की है। सो उसका कोई भी अभी तक दोस्त नहीं बना है। अब दोस्त नहीं बना है, जिस कंडीशन में उसने उसका ही नाम मित्र रख दिया है। अब सुबह नाश्ते का समय होता है, मिनी की मम्मी उसे कुछ नाश्ते के लिए प्रिपेयर करती है और कुछ खिलाने की कोशिश करती है। इसी दौरान बेल की घंटी बजती है दरवाजे की, और जो आसपास के बच्चे थे वो सारे बच्चे दौड़ के घर में आते हैं उसके, मिनी के, और उस पक्षी को उठा करके देखते हैं और सब अपने अपने हाथों से खिलाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि मिनी को आप तैयार कीजिए, ये रोज़ हमारे साथ जाएगी, स्कूल जाती है, स्कूल में बैठी हुई मिनी और आसपास के जो बच्चे हैं उसे बार बार याद दिला रहे हैं कि मिनी याद मत करो क्योंकि शाम को हम चलेंगे वापस बदक को देखेंगे। सब बच्चे ऐसे करके दो चार दिनों में उसके दोस्त बनने लगते हैं। अब धीरे धीरे करके जो है एक अंजू है, एक लड़की उसी की क्लास की, जो कहती है कि एक विकलांग दोस्त को दूसरा विकलांग दोस्त मिल गया है ना, लेकिन उसे कंपेंसेट होता है, उसे पता चलता है कि यार मैंने कोई गलती कर दी है, तो उसे रियलाइजेशन जब होता है तो उसको कंपेंसेट करने की कोशिश करती है, उसे सुधारने की कोशिश करती है। एक और दोस्त है, चूँकि सब आपस में बातचीत करते हैं, एक बुक लेके आते हैं जिसके अंदर बताया गया है कि उसकी क्या क्या आदतें हैं, कितने मीलों तक वो यात्राएं करती हैं। चूँकि ये क्वेश्चन में नहीं है, बहुत हम खास क्वेश्चन जो है उसी की बात करेंगे। इसमें आखिरी में दे रखा है कि डक जाती कैसे, उसका फेयरवेल कैसे होता है। फेयरवेल यानी कि उसका विदाई की जाती है, तो उसके पापा डक, उसके सारे फ्रेंड्स उसको बदक को लेके जाते हैं
एक नी एक लेक ले रहती है, झील रहती है वहाँ पर, तो मिनी उसे अपने हाथों में लेती है, फिर एक एक करके सब बच्चे उसे हाथ में लेते हैं और जेंटली रिलीज धीरे से उस पानी के ऊपर से छोड़ देते हैं। सब बच्चे बहुत देर तक उस पक्षी को तैरते हुए देखते रहते हैं और जब तक वो पक्षी उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता तब तक सारे बच्चे वहीं खड़े रह करके उसे वॉच करते रहते हैं। सो ये चैप्टर सेकेंड था आपका, जिसका नाम था ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, एक दोस्त जो आसमान से आया। सो थैंक यू सो मच, और निरंतर वीडियो देखते रहें मेरे, और अपने दोस्त को भी शेयर करें। सो थैंक यू सो मच।